1 किलोमीटर तक का? अरे 1 किलोमीटर दूर से इसको देख लेना, अलग से चमकता हुआ दिख जाएगा आपको। भाई ये देखो, थोड़ा सा इधर करो, राइट करो, राइट करो पेड़ की तरफ। तो भाई ये देखो प्योर व्हाइट हो गया। अब एक बार और करना भाई चेंज, तो भाई अपना पूरा अपना जैसे अपना विंटर में चलता है तो वो वाला हो गया ये। तो अब चेंज करना दोबारा, ये देखो बॉम वाइट हो गया। सातों तरह के प्रोजेक्टर का अलग अलग काम है। सातों प्रोजेक्टर में से 6 प्रोजेक्टर का साइज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। कंपनी ने लगा के दिए हेडलाइटों में LED और रोशनी नहीं आती है। तो भाई ये लेके जाओ, इवन BMW ऑडी तक में लगती है ये चीज। अरे वाह, हमने लगाई हुई है। ये IPA जब आपका जो आएगा ये ब्लू लेंस के अंदर है, इसमें ब्लू और क्लियर दोनों लेंस आते हैं। Hey guys, welcome back to my channel. होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए। तो गाइज आज फिर दोबारा से हमारे साथ है मन्नू भैया। तो भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया। भैया इस बार क्या दिखाने वाले हैं, क्या नई वैरायटी आई है अपने पास? हम हर बार कुछ ना कुछ नई चीज लेके आते हैं। नई चीज के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन होता है, वो मतलब कि किसी भी चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है वो सबसे पहली चीज। तो हम काम उस चीज के ऊपर कर रहे हैं जिसके ऊपर कस्टमर को ऐसे रिग्रेट ना हो कि हमारे पास आकर के वो बिल्कुल ऐसा फील कर रहा है कि भैया कहाँ चले और कौन सी दुकान पे जाकर के काम करा लिया। फर्स्ट चीज। सेकेंडली हम सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। मैं खिचड़ी नहीं पकाता लोगों की तरह कि भैया ये भी प्रोडक्ट दे दो, ये भी प्रोडक्ट दे दो, ये प्रोडक्ट दे दो। ऑप्शंस बिल्कुल हम रखेंगे सामने, बट उसमें से कुछ सिलेक्टिव होंगे, मतलब लिमिटेड एडिशन हम कस्टमर को सेल करेंगे और उसका एक एक चीज का आउटपुट भी दिखाएंगे। बिल्कुल। आज ना भाई आप सभी के लिए डिमांड पर भाई ये देखो कितने सारे प्रोजेक्टर लेके आ चुके हैं और सब एक साथ तरह के अलग अलग प्रोजेक्टर हैं। सातों तरह के प्रोजेक्टर का अलग अलग काम है। सातों प्रोजेक्टर में से 6 प्रोजेक्टर का साइज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक प्रोजेक्टर जो है आपका स्पेशल डिमांड पे हमने बनवाया है, ये देखो भाई ये 2 इंच का प्रोजेक्टर है। सबसे ज्यादा हाई डिमांड में ये रहने वाला है अभी, जहाँ तक बिल्कुल लगता है। अदरवाइज या तो हो सकता है इसके अंदर 4300 केल्विन या फिर ये IPS के बल्ब के साथ हाई डिमांड में जाए, हो सकता है GT हाई डिमांड में जाए। जैसे कि भाई आपको इतने सारे प्रोजेक्टर आज दिखाने वाले हैं, तो मनु भैया सबसे पहले हम छोटे से स्टार्टिंग करने वाले हैं। जैसे छोटा दिख रहा भाई, ये छोटा नहीं है, बहुत ही तगड़ा धमाका करने वाला है ना। एग्जांपल के तौर पे देखो, बहुत सारी गाड़ियों में टॉप मॉडल दिक्कत आती है। भाई LED आपके पास कोई भी गाड़ी हो, चाहे आपके पास फॉर्च्यूनर हो, चाहे आपके पास क्रिस्टा हो, चाहे आपके पास अपनी वरना हो, वरना हो, i20 हो, ग्रैंड न्यू हो, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो बाय LED भी नहीं आती हैं, लेकिन उनके अंदर जो है जो प्रोजेक्टर का साइज आता है वो 2 इंच का आता है। बिल्कुल। तो उसके अंदर आप ये लगा सकते हो हमारा GTR का 2 इंची प्रोजेक्टर। अच्छा, GTR का रिस्पांस बहुत बढ़िया है। मैंने पर्सनली अपनी गाड़ी के अंदर यूज करा हुआ है। मेरे पास SC1 वेरिएंट है अपना सोनेट का। सोनेट के अंदर एक दिक्कत क्या आती है, बाय LED है वो भी, उसकी हेडलाइट है LED लगी हुई है, उसमें कंपनी की फिटेड लगी हुई है। बिल्कुल। ये दिक्कत आती है कि सामने से जब थ्रू आता है ना किसी लाइट का, तो सामने से ब्लर हो जाता है, क्योंकि दिखता नहीं है। बिल्कुल। आईसाइड वीक है, इस वजह से मेरे को ये लगाना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो इसका भाई बहुत ही तगड़ा आउटपुट रहने वाला है। तो सब चीज हम आपको दिखाने वाले हैं, और जैसे आपको बताया भाई कि कौन कौन से अपनी कार में यूज होता है, तो आपको आउटपुट भी दिखाएंगे। इसका गाड़ियां हैं आपकी 2 इंची के अंदर, जैसे कि वरना और टोयोटा के लिए स्पेसिफिक, ये तो टोयोटा का प्रॉपर ही है। अगर 2 पेज हम यहाँ से निकाल देंगे इसके, तो ये यूनिवर्सल बन जाता है। इसके बाद हम अपनी फिटिंग बना करके इसको यूज कर सकते हैं किसी भी गाड़ी के अंदर, जैसे कि वरना हो गई आपकी, i20 हो गई, ग्रैंड न्योज हो गई, सोनेट हो गई, सेल्टोस हो गई, जो 2 इंची प्रॉपर होता है। बिल्कुल। तो मनु भैया इसमें अपने इनबिल्ट LED वाला है ना? इनबिल्ट LED वाला। तो ये कितने वाट है? तो 70 वाट। 70 वाट है ना? 35 प्लस 35। तो ये हो गया। तो इसकी प्राइसिंग वगैरह अभी बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे लास्ट में, सबसे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो एंड तक देखनी। बिल्कुल, वीडियो एंड तक जरूर देखनी। और ये भाई ये देखो जो अपनी कार में लगा है GTR। तो भाई ये भाई मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। GTR के अंदर देखो कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो अनऑथराइज तरीके से मार्केट में लेके आए हैं। GTR की ब्रांडिंग के साथ ही आया है, ऐसा नहीं GTR की ब्रांडिंग के साथ ही आया, सेम GTR की ब्रांडिंग के साथ आया है, सेम डब्बा आया है, बट वो देखो अनऑथराइज तरीके से आया हुआ है मार्केट के अंदर। और ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटी है इस इतनी रिफाइंड नहीं है जितनी क्वालिटी इसकी रिफाइंड है जो हमारे पास प्रोडक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक तरीके से कॉपी माने कह सकते हैं 90%। बिल्कुल। तो भाई ये देखो, देखो नेचुरल सी बात है, कोई भी अगर आपके पास प्रोडक्ट है ना उसकी कॉपी आनी लायक ही है। जी ये तो है, आता ही आता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, कॉपी आती है, ओरिजिनल डोर गार्ड भी आता है, कॉपी डोर गार्ड भी आता है, नेटा के ओरिजिनल भी आते हैं, नेटा की कॉपी भी आती है। जी जी, इवन जीवा तक की कॉपी आ गई है। बिल्कुल भाई। और बताओ, ये देखो ये अपना GTR है, जैसे ये भी अपना 35 ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, LED सबको सेम लगा हुआ है, सिर्फ साइज का फर्क है। बिल्कुल, वारंटी 1 ईयर रिप्लेसमेंट। बिल्कुल, ये देखो भाई, और ये आगे अपने IPS है ना? ये IPA जब आपका जो आएगा ये ब्लू लेंस के अंदर है, इसमें ब्लू और क्लियर दोनों लेंस आते हैं। इसका हम बल्ब के 2 ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन 2 देने का रीजन क्या है, एक तो जो ये आता है एल शेप वाला, इसमें क्या है कि ये प्रॉपर बैठ जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा येलो टिंटेड होता है,
तो उसमें क्या रहता है कि येलो टेंटिंग वजह से थोड़ा सा सर्दियों में ज्यादा अच्छा सेल होने के प्रोडक्ट्स में से एक है ये। बिल्कुल, आप चाहे तो इसके अंदर 4300 कैलोरी भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर 6000 कैलोरी भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसे अपने ब्लू कट है ना, ये तो इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार थोड़ा ये भी बताओ। उनका थ्रू का फर्क है, बाकी प्राइसिंग का फर्क रहने वाला है। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, शो भी हो रहा होगा, देखो भाई एक व्हाइट है और एक ब्लू है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको मूव करके दिखा रहा हूँ कि आपको इजीली पता चल सके इस चीज के बारे में। ये देखिए भाई, पीछे से देखेंगे तो पीछे से हमने एक इसमें एल शेप वाला लगाया हुआ है। एल शेप लगाने का रीजन क्या है, अब काफी सारी गाड़ियां होती है जिसके अंदर टैंकी के अंदर ना पीछे जो टैंकी होती है आपकी पानी की, बिल्कुल ऊपर के अंदर, तो उसमें अड़ता है, तो इसके अंदर हम एल शेप वाले प्रोजेक्टर लगा सकते हैं, मतलब अपने जो बल्ब है वो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल अंदर ही अड़ता नहीं है, या फिर उसकी जगह पे हम GTL प्रोजेक्टर लगा सकते हैं। अब फर्क क्या है भाई, एल शेप के बाद भी शायद मेरे ख्याल से इसमें कुछ जगह बचेगी। अब यहाँ से अगर देखें डायमेंशन की बात करें, ये देखिए तो ये फर्क है, बहुत है भाई, बहुत डिफरेंस है अभी भी, है ना। अभी तो एल शेप के बल्ब लगे हैं, अगर इनमें आपको डिफरेंस दिखाऊं इसके साथ तो आप देख लीजिए। ये देखिए भाई कितना डिफरेंस है, बिल्कुल ये ऑलमोस्ट कह सकते हो आप, इतना डिफरेंस है कुछ, बिल्कुल बिल्कुल ये डिफरेंस आएगा। और GTL का प्रोजेक्टर बाय LED है और खराब नहीं होता है, सबसे अच्छी चीज जो है इसके अंदर। बिल्कुल, तो इनमें तो अपना जो भी अपना आप जो भी लगवाना है, LED HID कुछ भी डाल सकते हो, बट नॉन के अंदर आप HID ज्यादा रिकमेंडेड हमारी तरफ से। अगर LED लगवाते भी हो तो किसी अच्छे ब्रांड की लगाओ, जैसे की जीवा हो गई या कोई अच्छे ब्रांड के अंदर हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हो गए भाई अपने दो, और ये भाई ज़ेनॉन मतलब HID वाला प्रोजेक्टर होगा, इसके अंदर LED भी लग सकती है। अच्छा, तो ये बात आती है सस्ती रेंज हमारी कुछ, जैसे कि बाई LED प्रोजेक्टर जो हमारे IPS के अंदर ही आते हैं, ये आपको 5500-6000 से स्टार्टिंग मिल जाएगी, 6000-6500 से स्टार्टिंग मिल जाएगी। बिल्कुल, डिपेंड करता है कौन से टाइम पीरियड में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस दिन का रेट अलग होगा, आज का रेट जो है उस हम आपको बता रहे हैं अप्रॉक्सीमेट आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये देखिए इसके अंदर दो आती है वैरायटी, एक तो आता है सिंगल कलर, एक आता है आपका ये ट्रायो कलर। ट्रायो कलर मतलब हो गया आपको 4300 केल्विन, 3000 केल्विन और आपका 6000 केल्विन। बिल्कुल, ये देखिए ये अपना इनबिल्ट एलईडी वाला है, ये इनबिल्ट एलईडी वाला, ये देख सकते हो भाई, ये आपको लगभग 6000-6500 के रेंज में मिलेगा, ये आपको 8000-8500 के रेंज में मिलेगा, लगभग रेट है ये। जब भी आप हम वीडियो देख रहे होंगे तो उस टाइम का रेट आप कंफर्म कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इनमें से मतलब अगर डिफरेंस बताया जाए तो ये डिफरेंस में क्या, डायमेंशन में, लेंस में, आउटपुट में, वोल्टेज में कोई फर्क नहीं है इसका, सिर्फ कलर टेम्परेचर में फर्क है, बस कलर टेम्परेचर। अब मैं फर्क बता देता हूँ कि इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आपको किसी से, किसी बंदे ने आपको फोटो भेजी एग्जाम्पल के तौर पर, बिल्कुल, तो उसकी जो चौक है ट्रायंगुलर की वो लंबी धारी वाली है, देख रहे हो ये चौक, इसके बाद जो सिंगल कलर की चौक है वो ऐसे डिजाइन में, ये देखिए तो साइज का डिफरेंस है प्लस डिजाइन का डिफरेंस है। अगर आपको साइज का भी डिफरेंस नहीं समझ आ रहा फोटो के अंदर, तो ये डिजाइन आप देख सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए मतलब ये इनके पहचान है ना। हाँ, सिंगल कलर और ट्राई कलर के अंदर। अरे भाई ये देखो ना, कभी आपको भाई ये इसको ही ट्राई कलर बोल के आपको ये दे दे जाए, देखो वो तो आपके ऊपर ही होता है कि फोटो आपको किसी और चीज के दिखा रहे हैं, हो सकता है आपको ट्राई कलर भी भेज दें, लेकिन ये कि इंसान के पास अवेलेबिलिटी है या नहीं होती वो मैटर करता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब ये आ गया, ये अपना कुछ लास्ट है ना, ये लेजर प्रोजेक्टर है आपका। लेजर प्रोजेक्टर में डिजाइन चौक का इस टाइप का आता है, हो सकता है अलग अलग ब्रांड के अंदर, अलग कंपनियों के अंदर अलग अलग चौक के डिजाइन हो सकते हैं। बिल्कुल, तो भाई ये देखो ये अपना लेजर वाला है, तो इसको ना जला के दिखाएंगे जब भी आपको मजा आएगा इसमें, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आने वाला है रिस्पॉन्सेस का। बिल्कुल, इसमें दो वैरायटी आती है, एक 6500 का आता है, एक 9500 का आता है, दोनों वैरायटी काफी उम्दा है। बिल्कुल, तो भाई आपको हमने ऑलमोस्ट जितने भी अपने साथ आपको ब्रांडेड मतलब के अपने अलग अलग वैरायटी में दिखा दिए, बिल्कुल साथ दिखा दिए, तो अब मनु भैया चले इनको लेके इनका रिस्पॉन्स चेक कराने, बिल्कुल भाई रिस्पांस दिखाने वाले हैं, क्योंकि भाई डब्बे में तो सब दिखाते हैं ऐसे देख के भाई पता नहीं चल पाता क्या चीज है, तो आपको प्रॉपर रिस्पांस चेक कराया जाएगा करके स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में वीडियो बना के और विद रिस्पांस दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जो कि आप भाई आपको घर से बैठ के ऑर्डर करने में भी आसानी हो जाए अगर आप दिल्ली के नहीं है, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रोडक्ट का परचेज। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि आपको मेरा फोन नंबर डायल करना है 8586964962, इसको आपने गूगल पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करते ही मेरी वेबसाइट आ जाएगी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्लिक करके आप इस चीज़ को बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको भाई सारे ऑप्शन बता दिए, तो भाई अब चलते हैं पार्किंग में, इन सब की आपको टेस्टिंग कराते हैं। देखो भाई पार्किंग में आ चुके भाई प्रॉपर, आपको बड़े तरीके से चेक कराने वाले हैं, जैसे कि मनु भैया सबसे पहले कौन सा चेक कराने वाले हैं हम, ये N617 सिंगल कलर है। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग रेंज है हमारे प्रोजेक्टर की है, तो उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर टोटल में विद LED या विद HID जाओगे तो ये सबसे सस्ता प्रोजेक्टर है इन टोटल में। बिल्कुल, ये अपना इनबिल्ट LED वाला जो दिखाया था अभी, तो वही है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए, तो भाई ये देखो ये कुछ इस तरीके का भाई, ये सिंगल जल रहा है और आउटपुट देख रहे हो, पीस है ये देखिए,
और अगर दो जलेंगे तो मनु भी अगर मिनिमम जो स्टार्टिंग की बात करें तो बहुत बढ़िया इसका मतलब 6,500 रुपए में आपको इससे बड़े रिस्पॉन्स मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये देख रहे हैं आप, ये सिंगल प्रोजेक्टर है एग्जांपल के तौर पे, जहाँ पे वो फॉगलाइट की अपनी पोजीशनिंग होती है वो यहाँ होती है, तो ये होती है फॉगलाइट की, ये यहाँ आप कह सकते हैं ये पोजीशन पे है ये देखिए। तो मनु ये इसमें अपना वो हाई लो भी होता है या कैसे? हाई लो भी होता है, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ हाई लो का, तो उसके आप कनेक्ट करके आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो भाई ये देखो ये अपनोगे तो इसकी प्राइसिंग ये अगर बात करें तो जैसा एक बार और रिपीट कर देते हैं, 6,500 रुपए का आपको पड़ेगा सिंगल कलर, ये 6,500 रुपए का सिंगल कलर। तो देखो ये डिपेंड करता है आज का रेट ये है, कल का रेट क्या है, परसों का रेट क्या है, कोई आइडिया नहीं, देखो वो डिपेंड करता है आप कब ले रहे हैं परचेज का। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये रेट 5,500 भी हो पहले दो चार दिन पहले, आज वीडियो बनाने से पहले हो सकता है ये रेट 7,500 भी होता। बिल्कुल बिल्कुल ये तो है। तो आपको अब आपको भाई ये वाला चेक कराया तो अब नेक्स्ट वाला आप चेक कराते हैं और सबकी प्राइसिंग ए टू जेड बताते चलते हैं ना मनु भैया। तो अब दूसरा लगा के आपको चेक कराने वाले हैं, तो भाई ये इसका जैसा भी आपको भाई दिखाया सिंगल कलर वाला, ये ट्राई कलर वाला अपना आ चुका है, ये इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसलिए करके दिखा रहे हैं कि कस्टमर जो व्यूअर है हमारे उनको डिफरेंस समझ आ सके कि हाँ भाई वो क्या प्रोडक्ट उनके लिए सही है या गलत है, किस एटमॉस्फेयर में किस वेदर के हिसाब से उनको क्या प्रोडक्ट सही है। बिल्कुल, तो प्राइस रेंज अकॉर्डिंगली। बिल्कुल, तो एक बार भैया ऑन करते हैं इसको, तो ये देखो भाई ये ट्राई कलर जैसा अपना पीछे वाला येलो ज्यादा था ना, येलो ही अपना शायद ज्यादा था, तीनों कलर है। हाँ इसके अंदर अपने तीनों है, आप देख रहे हो ये देखो, ये है आपका उस वेदर के लिए जब आपकी बिल्कुल सर्दियाँ होती है ना, जब कह लो कि विजिबिलिटी होती नहीं है, जीरो विजिबिलिटी होती है, तो उस तब ये काम आएगा। ये देखो भाई इसमें अगर ऑफ करके जलाते हैं तो ये जो है आपका तीसरा कलर है, बॉम वाइट कहते हैं, 4300 केल्विन कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। अरे वाह ये देखो भाई ये अपने इसमें मतलब अपने तीन मतलब क्या अगर डिपर से चेंज होंगे या कैसे चेंज होंगे? ऑन ऑफ करोगे जब, अच्छा ऑन ऑफ पे जब इसकी पावर कट होगी उसके बाद देखो, फिर जलाइए ये देखो भाई, देखो अब प्योर वाइट हो गया। अब एक बार और करना भाई चेंज, तो ये भाई अपना पूरा अपना जैसे अपना विंटर में चलता है तो वो वाला हो गया ये, तो अब चेंज करना दोबारा ये देखो वाइट हो गया। तो इसमें अपने तीनों भाई अपने तीनों अपने जो कॉम्बिनेशन है तीनों है, तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 8500 का है जो ओरिजिनल आईपी जाता है आपका, इसमें डुप्लीकेट कॉपी भी आती है जो 5,500-6,000 में इजीली मार्केट में मिल जाएगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका आपको बताया, तो आपको भाई ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको सारे चेक कराते चलते हैं ना। दूसरा वाला आपको चेक कराने वाले हैं, तो आपको भाई GTR दिखाने वाले हैं, जैसे GTR आप यहाँ पे देख लो ओरिजिनल ये है, ब्रांडिंग आ गई है इसके अंदर, कॉपी भी आ गई, क्लियर कर रहे हैं। कॉपी का रीजन ये है अभी है कि जो फेमस होती है उसकी कॉपियां नहीं लाइज, बिल्कुल भाई लाजमी है, आनी ही आनी है, उसमें भी GTR लिखा हुआ आएगा, इवन जो कॉपी आई है उसके अंदर भी GTR लिखा हुआ आ गया है, बिल्कुल सेम बॉक्सिंग के अंदर आया। अरे वाह, तो अब आपको भाई GTR का रिस्पॉन्स दिखाने वाले हैं, तो भाई ये देखो भाई इसको भाई मैं खुद पर्सनली यूज कर रहा हूँ और जो इसका आउटपुट है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, और इसके अंदर यही डिफरेंस है जो इसकी क्लैरिटी है ना, यहाँ स्टार्टिंग से लेके और जो एंड तक जो आ रहा है वो इक्वल है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ ब्लर है और आगे शार्प है, ये प्रॉपर शार्पनेस है इसमें। ये देखो भाई हो सकता है साइडों में आपको हल्का सा लग रहा हो कि 19-20 का फर्क है, लेकिन लेंस के अकॉर्डिंगली हर चीज बीम डिपेंड करती है। बिल्कुल, और वो भी भाई अभी सिंगल अपना वर्क हो रहा है, सिंगल पीस है, आप दो पीस में अंदाजा लगा सकते हैं कि आउटपुट क्या रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मन भैया ये क्या रेट प्राइसिंग देखो अभी का रेट वापस 9,500 हो गया है, लास्ट टाइम हमने जब वीडियो शायद बनाई थी तब 7,500 का रेट चल रहा था, बट अगेन ये 9,500 हो गया है, हो सकता है अभी आने वाले टाइम में फिर इसकी सेल आए तो 7,500 रुपये है ओरिजिनल का रेट, कॉपी का रेट वही 6,500-7,500 रुपये में इजिली मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाए, कोई 7,500 में बेच रहा है, कोई 8,500 में बेच रहा है, बिल्कुल, बट ओरिजिनल का रेट अभी 9,500 है और जो कॉपी आता है उसका रेट 6,000-6,500 का। बिल्कुल भाई ये देख रहे हो भाई बहुत ही तगड़ा आउटपुट आ रहा है और बहुत ही अल्टीमेट चीज लगी मेरे को ये तो भाई, और रिस्पांस की तो भाई एक नंबर है। मैं कहता हूँ अगर आपको ये भाई इनमें से कुछ भी लेना है तो भैया के पास आओ, क्योंकि भाई कॉपी का इधर कोई काम नहीं है, आपको जो मिलेगा जैन मिलेगा। तो अब आपको भाई GTR दिखाया, अब नेक्स्ट जो दिखाने वाले हैं देखो एक एक चीज आपको बढ़िया तरीके से दिख रही है। तो अब ये देखो भाई आपको नेक्स्ट अपना आइटम जो है हमारी जो है हमारा बाय ज़ेनॉन HID प्रोजेक्टर है, और ये आपका जो आएगा आप सामने देख सकते हैं पीछे हमने HID के बल्ब लगाए हैं ऑलरेडी, और ये प्रोजेक्टर सीधा ऐसा आएगा जब आपकी जो अपनी रेड ब्लैक वायर होगी वो नीचे आएगी। ये देखिए भाई ये अपना HID वाला लगता है गरम होने में, बिल्कुल जैसे भाई HID है ना तो अपना थोड़ा टाइम लगता है, अभी ये स्टार्ट हुआ है तो जैसे जैसे भाई ये गर्म होगा और उतनी ज्यादा इसकी ब्राइटनेस हो जाएगी है ना। हाँ कह सकते हैं, तो थोड़ा वार्म हो रहा है धीरे धीरे, ये देख रहे हो आप, धीरे 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 धीरे। पर्सनली बोलूं मेरे को GTR या बाय LED प्रोजेक्टर ज्यादा समझ आ रहे हैं बाय ज़ेनॉन से, उनकी विजिबिलिटी उनकी विजिबिलिटी फर्क तो है। देखो बिल्कुल देखो भाई जमीन आसमान का अंतर है इनमें। अब देखो HID वाले में पहले जमाना था HID का, अब जमाना है LED का। बिल्कुल, तो भाई ये देखो अपना आपने अगर फर्क देखा होगा MCU 17 में भी, वो भी इवन इससे ज्यादा लग रहा होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल वो तो है, तो अभी ये देखो
ये रिस्पॉन्स का फर्क है आपका, HID से LED आगे निकल रही है बिल्कुल। ये देख रहे हो भाई, इतनी देर में तो पता नहीं कितनी दूर चला जाएगा बंदा जितनी देर में गर्म होगा ना। हाँ मेरे हिसाब से तो भाई हाँ मतलब HID का ठीक है, ठीक ठाक रिस्पॉन्स आप कह सकते हो, बट हमारी तरफ से भाई LED ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये देखो भाई, मेरे को भाई LED बढ़िया लगे क्योंकि देखो इतनी देर हो चुकी है, अभी हमें ये भी पता नहीं है इससे ज्यादा नहीं होगा। अभी मैं सोचा की अभी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ये लास्ट है भाई। ये देखो इस तरीके कुछ रिस्पॉन्स है। अगर आपने अभी हमने आपको 3-4 वैरायटी दिखाई है, अभी और भी दिखा रहे हैं, तो इसकी क्या प्राइसिंग वगैरह रहने वाली है? ये 7,500 रुपए का कॉम्बो आएगा विद 1 ईयर वारंटी ऑफ HID। अच्छा, तो इसके साथ मतलब कि HID आएगी या कैसे? हाँ, साथ में कॉम्बो में ही आएगी। 7,500 रुपए का रेट है। 7,500 रुपए कितने वॉट अपना? 65 वॉट। तो ये देख सकते हो भाई, आपको ये दिखाई है। अब दूसरी वाली आपको दिखाने वाला है, जिसमें भी अपना दूसरी भी HID वाला है ना। दूसरा भी HID वाला है। HID वाले में मैं बताता हूँ फर्क क्या रहेगा। वो ब्लू टिंट है। हाँ, ये ब्लू कलर वाला था हमारा, देखोगे अगर, वो क्लियर कलर था। बिल्कुल वो क्लियर था, ये ब्लू कट वाला अपना। तो ये देखो भाई, ये अपना ब्लू कट वाला स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, जैसा आपको भाई ब्लू 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 सा दिख रहा होगा, तो ये देखिए तो भी और ही जाएगा मनु, ये इतने रहेगा, ये ऑलमोस्ट ये लास्ट है। ये लास्ट है, ये देखो मतलब ये ऐसे जाएगा। ये देखो इस तरीके से भाई, ऐसी ये भी बना पाओगे। ब्लू कलर फिर भी थोड़ा फार बेटर है आपका, क्लियर से इसका ज्यादा आउटपुट है ना। हां, क्लियर से ज्यादा आउटपुट है ब्लू का। ये देखो भाई, ये इसकी फुल स्ट्रेंथ अब हो चुकी है, मतलब भाई इससे ऊपर नहीं जाएगा ये ना। नहीं मतलब मैक्सिमम पावर इतनी है, मैक्सिमम पावर इतनी है। तो इसकी क्या प्राइसिंग वगैरह रहने वाली है? इसकी प्राइसिंग जो जाएगी आपकी लगभग 8 से 8,500 रुपये जाएगी कम से कम। वो सिर्फ जो फर्क है हमारा वो प्रोजेक्टर की लेंस का फर्क है, जो उसकी प्राइसिंग में फर्क आएगा, क्लियर लेंस और ब्लू लेंस का। बिल्कुल, तो भाई आपको ये वाला भी दिखाया, तो अभी अपनी एक या दो वैरायटी और रह रही है, अभी आपको वो भी दिखाई है जो सबसे डिमांडिंग की रहने वाली है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, तो लेजर प्रोजेक्टर, लेजर प्रोजेक्टर और अपना एक छोटा वाला भी रह रहा है, मतलब भूल गया, दो रह गए दो। तो अभी लेजर ही आपको चेक कराना, लास्ट में दिखाते हैं सबसे पहले। चलो लेजर आपको, जिसको भी भाई दिक्कत है ना अपनी गाड़ी के अंदर हेडलाइट से, कि भाई कंपनी ने लगा के दिए हेडलाइटों में LED और रोशनी नहीं आती है, तो भाई ये लेके जाओ, इवन BMW ऑडी तक में लगती है ये चीज। अरे वाह, हमने लगाई हुई है। तो आउटपुट भाई इसका भी मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला सीन रहने वाला है। मैंने भी सच में अभी तक इसका रिस्पॉन्स नहीं देखा, आज मैं खुद पहली बार देखने वाला हूँ भाई। ये देखो भाई, ये अपना छोटा वाला है। ये देखिए भाई, क्या इसका जबरदस्त रिस्पॉन्स है। अगर इसका साइज देख के बात करें तो भाई ये बहुत ही ज्यादा जो रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा आ रहा है इसका ना। और 2 इंची के अंदर ये देख लीजिए, ये देखो इस तरीके से जैसे फोग लैंप रहता है अपना, उस साइड से आपको दिखाया जा रहा है। और ऐसे देखना चाहते भी देख सकते हो, तो ऐसे देख लीजिए, मतलब बहुत बढ़िया आउटपुट लगा इसका। अगर जैसे अपना 2 इंच में ना अपना मन, ये देखो, ये देखिए इधर आपको भाई एक एक चीज दिख रही होगी डिटेल में। ये देखो, तो भाई इसका क्या प्राइस रहने वाला है? सेम प्राइस है दोनों का, 9,500 रुपए। तो ये देख सकते हो, ये अपना 2 इंच वाला हो गया। और इन फ्यूचर अगर स्कीम भी आई तो वो 3 इंच के ऊपर आएगी, 7.5 की अगेन अगर इन फ्यूचर आती है, 2 इंच जो है आपका 9.5 ही चलेगा ऑलमोस्ट। बिल्कुल, तो भाई अब आपको ये दिखाया, तो आपका भाई जो आप जिसका वेट कर रहे हो लेजर, तो भाई आपको लेजर वाला दिखाने वाले हैं ना मनु भैया, तो लेजर दिखाते हैं आपको। अपना भाई लेजर वाला रहने वाला है, तो भाई ये देख सकते हो, तो एक बार ऑन करो, ये देखो ऑन करो। तो भाई ये देखो भाई, ये सामने देख रहे हो आप भाई, वाह एक चीज देख रहे हो, ये चीज कितनी प्यारी लग रही है, ये प्रॉपर भाई जो फोकस जा रहा है अपना, अरे वाह। ये देखो भाई, मतलब बहुत ही तगड़ा आउटपुट है, रिस्पांस ये 1 किलोमीटर तक का है। 1 किलोमीटर तक का, अरे वाह। किलोमीटर दूर से इसको देख लेना, अलग से चमकता हुआ दिख जाएगा आपको भाई। ये देखो थोड़ा सा इधर करो, राइट करो पेट की तरफ। तो भाई ये देखो प्रॉपर बॉक्स बना रहा है, और ये तो सिंगल का रिस्पॉन्स है। ये देखो एक इस तरीके से रहता है ना, और ये वहाँ यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट भी 25 से 30 गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी इस गाड़ी में, इतना ये रिस्पॉन्स है सिंगल का। बिल्कुल भाई, ये देख सकते हो आप, तो इसमें भी हाई लो का रहता है कैसे? नहीं, ये सिंगल ही होता है, ये सिंगल ही होता है, ये देख सकते हैं। ये देखिए भाई, ये सिंगल है, अभी डबल का तो रिस्पॉन्स ही लगेगा। बिल्कुल जैसे आपको दिखाया भाई, भैया बता रहे कि 1 किलोमीटर तक का इसका रिस्पॉन्स रहता है। अगर हाईवे पे चलाएंगे तो दूर से ही आपकी गाड़ी चमकेगी, दूर से ये सिर्फ अकेला भी काम आ जाएगा आपका। ये देख रहे भाई, ये देखो भाई,
ये देखिए मतलब बहुत ही ज्यादा शार्प है इसकी जो भी डिटेलिंग जो दिखा रहा है ना, बिल्कुल। तो ये देख सकते हो मेन इसकी जो ये है ना, जो इसकी बीम निकलती हुई जा रही है, जो इसकी रोशनी जा रही है, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। हर बंदा इसको रोक रोक के देखेगा जरूर। बिल्कुल भाई, क्या ये देखो, ये लग क्या रहा है ना, ये देखो। तो स्पेशली मतलब ये लाइटिंग करता है या कैसे? ऑफ रोडिंग के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए, जिसको जैसे दूर रेंज देखनी है तो सबसे ज्यादा वैसे उसमें यूज होता है। आजकल लोग ऐसे ट्रेंड भी चला रहे हैं इसको या लगा रहे हैं अपने। हाँ, क्योंकि देखो अगर गाड़ी ऐसे साइड में खड़ी होगी तो एकदम ऐसे देख रहे हो जो ये जा रही है ऐसे निकल के पूरी लाइन, और जैसा ऊपर कराते एक बार और करके दिखाओ, ये देखो भाई भाई मतलब बहुत ही ज्यादा शार्पनेस दिख रही है आपको, ये देखिए। अरे वाह, तो मनु भैया इसकी बंदा भी दे देगा इवन इसमें तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो मनु भैया दूसरों घरों में रोशनी दे रहे हैं। तो भाई ये देखो मतलब भाई बहुत ही तगड़ा रिस्पांस आ रहा है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो क्या रहने वाली है इसकी प्राइस? दो वैरायटी है अभी, एक 6,500 रुपए का, एक 9,500 रुपए का। एक 6,500, एक 9,500। अच्छा, तो इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ही रहने वाला है वोल्टेज का। अच्छा। ये वाला जो है 95 वाट वाला है। हाँ। और एक जो आता है इसमें 35 वाट वाला, वो 35 है, वो ये 95 है अपना। तो 95 ईच नहीं, जोड़े का ही होता, जोड़े का है ना। तो भाई ये दिखाया आपको, आपको ऑलमोस्ट हमने सारे आपको प्रोजेक्टर दिखाए, प्रोजेक्टर दिखा दिए हैं, 7 तरह की वैरायटी अलग अलग दिखाई है। हर एक प्रोजेक्टर को जला जला के दिखाया है, स्पेसिफिकेशन के साथ उसका आउटपुट दिखाया है, और उसको बताया है आप किस किस वेदर में आप यूज कर सकते हो, किस किस क्वालिटी के साथ आता है, कितनी वोल्टेजेस है, हर किसी चीज में डिटेल में वीडियो बना दिया। बिल्कुल भाई, प्रॉपर आपको सारी चीज दिखा दी है, बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स चेक कराया है सब चीज का। और भैया की वेबसाइट भी है जैसा आपको पता है, तो एक बार और बताए थे किस तरीके से क्या सर्च कर सकते हैं? store.net एक मेरी वेबसाइट का लिंक है। जब भी आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं तो वहाँ पे वेबसाइट का एक नाम लिखा हुआ आता है। जब भी हमारा क्विक रिप्लाई वापस रिटर्न रिप्लाई आपको आता है तो आप GTR ऑफिशियल या फिर आप कह सकते हैं वहाँ पे मेरा जो YouTube चैनल है उसका लिंक आता है, Instagram का लिंक आता है, साथ में वेबसाइट का लिंक भी आता है। तो वहाँ पे वेबसाइट लिंक पे जाकर आप मेरे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं और कुछ भी वहाँ से पैन इंडिया अपनी डिलीवरी है। तो EMI का भी अपना ऑप्शन वगैरह है। ऑप्शन तब आएगा जब आपको क्रेडिट कार्ड की अवेलेबिलिटी होगी और आप एलिजिबल होंगे EMI के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी है लेकिन तब भी हमारे पास जो है हम परचेज नहीं कर पा रहे आपकी वेबसाइट से, उसका रीजन ये होता है कि वो एलिजिबल नहीं होते हैं EMI ऑप्शन के लिए, मतलब जो हमारी वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंगली। बिल्कुल, तो आपको भाई ऑलमोस्ट सारी चीजें दिखा दी हैं। भाई का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन आपको सारी चीज मिल जाएगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।